फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ एगलेस चॉकलेट केक, जो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पंजी है और जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो ऐसी टेस्टी यम्मी चॉकलेट केक के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है मैदा 1 कप, आधी कप शक्कर और दूध। मैदा 1 कप है तो दूध या पानी आप जो भी इस्तेमाल करो वो आधा लगेगा, उसके बाद शक्कर भी आधा ही। ये है 1/4 कप कंडेंस मिल्क है, कुछ चॉकलेट एसेंस की ड्रॉप्स यूज़ करूँगी, उसके अलावा 1/4 कप कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। ये है बटर, ये है ऑयल, दोनों मिलके 1/4 कप चाहिए। उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं। मैंने लिया है टूटी फ्रूटी, कुछ किशमिश, काजू और बादाम, उसके अलावा थोड़े से चॉकलेट चिप्स। आगे का प्रोसीजर, मैंने लिया है छन्नी, अब उसमें डाल रही हूँ 1 कप मैदा। मैं सारी चीज़ें 1 कप केक के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। उसके अलावा 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, दोनों लेवल में हैं, और 1 पिंच नमक। नमक डाल के मैं इसे अच्छी तरीके से छान लूँगी। इसी तरीके से मैं इस मैदे को 3 बार छान लूँगी ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आप 2-3 बार छानोगे तो केक बहुत अच्छे से बनेगा। अब ये छन गया है, मैं इसे निकाल के साइड में रखूँगी। साइड में रख के अब मैं लूँगी 1 बाउल। बाउल में अब हम लोग करेंगे आगे का प्रोसीजर। यहाँ पे मैंने रखा है 1 बाउल। बाउल में अब मैं डाल रही हूँ 1/2 कप शुगर, पिसा हुआ शक्कर है, पीसने के बाद 1/2 कप है, 1/4 कप कंडेंस मिल्क है। उसके अलावा अब मैं ले रही हूँ बटर और ऑयल, दोनों मिलके 1/4 कप है। यहाँ पे आप सिर्फ ऑयल या सिर्फ बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट बटर से फ्लेवर आता है और ऑयल से केक एकदम सॉफ्ट रहता है ज़्यादा समय तक। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कोको पाउडर, ये 1/4 कप है, आप मैदे में भी इसको डाल सकते हो, ऐसे भी डाल सकते हो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दूध, दूध ये 1/2 कप है, दूध हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है। अब यहाँ पे हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहो तो विस्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हो या ये प्रोसीजर सेम आप मिक्सी के जार में भी कर सकते हो। दूध हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है, एक साथ डालेंगे तो हम अच्छे से नहीं फेंट पाएंगे। मैं इसे थोड़ा सा और फेंट रही हूँ, फेंट के अब मैं इसको रखूँगी साइड में। अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रोसीजर। यहाँ पर मैं माइक्रोवेव को प्रीहीट करने रख दी हूँ, माइक्रोवेव प्रीहीट हो रहा है। अब मैं ली हूँ बेकिंग ट्रे जिसमें हम लोग केक बनाएंगे, उसमें मैं डाल रही हूँ बटर पेपर। बटर पेपर डाल के मैं इसको ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप डायरेक्ट ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हो, बटर पेपर डालने से केक ईजिली निकलता है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़क रही हूँ ताकि केक ईजिली निकल सके। अब कंटेनर बन के रेडी है केक बनाने के लिए, इसको मैं रखी हूँ साइड में। अब मैं फिर सेम उसी प्रोसीजर पर आई हूँ जहाँ पे हमने मिल्क और शुगर को फेंट लिया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा जिसको हमने छान के रख लिया था। मैदा डालने के बाद हमें बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है, हमें सारी चीज़ें तैयारी करके रखना है, जैसे केक टिन रेडी रखना है, माइक्रोवेव को प्रीहीट करना है, उसके बाद ही मैदा डालना है। मैदा डाल के हमें हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर मैं स्पैचुला से मिक्स की हूँ, मिक्स करके अब मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट डाल के मैं इसको और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और मैदा डालने के बाद हमें ज़्यादा देर बाहर भी नहीं छोड़ना है। अब मैं इसमें कुछ ड्रॉप चॉकलेट एसेंस के डाल रही हूँ, आप चाहो तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हो। और केक में मैंने सिर्फ कोको पाउडर का इस्तेमाल किया। अगर आपको ज़्यादा ब्राउनिश केक चाहिए तो आप थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर गर्म पानी में मिक्स कर भी डाल सकते हो। अब केक टिन में मैं केक का बैटर डाल रही हूँ, डाल के मैं इसको थोड़ा सा टैप करूँगी। अगर आप माइक्रोवेव में नहीं बना रहे हो तो आप इसे गैस पर भी बना सकते हो। गैस बनाओगे तो कुकर में नीचे रेत या नमक डाल देना, उसके बाद ये कंटेनर रखना और विजल नहीं रखना, ऐसे ही आपको 20 मिनट के लिए गैस के ऊपर धीमी आंच पे इसे बेक होने रख देना है। केक बहुत अच्छे से बनेगा। गैस पे केक कैसे बनाते हैं उसका वीडियो मैंने पहले डाल चुका है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब मैंने ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश किया है, माइक्रोवेव गर्म हो चुका है। अब मैंने इसमें रखा है स्टैंड, स्टैंड रख के मैंने इसमें केक का टीन भी रख दिया है। अब मैं माइक्रोवेव बंद कर रही हूँ 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मैं इसे 30 मिनट के लिए सेट कर रही हूँ। 30 मिनट के लिए सेट करके मैंने माइक्रोवेव ऑन कर दिया है कन्वेक्शन मोड पर। अब 19 मिनट हो गया है, 19 मिनट बाद आप देख सकते हैं केक काफ़ी अच्छे से फूल गया है और ऑलमोस्ट बन गया है, बट पूरी तरीके से नहीं बना है। मैं इसे पूरा 30 मिनट तक बेक होने दूंगी। 30 मिनट हो गया है, अब आप देख सकते हैं केक काफ़ी अच्छे से बेक हुआ है। टूथपिक डाल के चेक कर रही हूँ, टूथपिक डालने से टूथपिक में केक बिल्कुल नहीं लगा, मतलब केक बन गया है। फिर भी हमें इसे माइक्रोवेव में 5-10 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि केक अच्छे से सेट हो जाए। केक आपका 30 मिनट में बनेगा या 35 मिनट में बनेगा, ये डिपेंड करता है कि आपका माइक्रोवेव, किसी किसी माइक्रोवेव में 30 मिनट का टाइम लगता है, किसी किसी में 35 मिनट का टाइम लगता है। और ये भी डिपेंड करता है कि आप क्वांटिटी कितना ले रहे हो, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी लोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा।
बट केक बनेगा बहुत अच्छे से। अब मैंने निकाला इसे प्लेट में, मैंने बटर पेपर डाला था इसलिए केक बहुत इजीली निकल गया। बटर पेपर नहीं भी डालोगे तो भी केक बहुत अच्छे से निकलेगा अगर आप पहले से ग्रीस करके डस्टिंग करोगे तो। अभी मैं आपको केक काट के दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं केक बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पंजी बना है और साथ ही बहुत ही टेस्टी है। आप भी यही स्टेप फॉलो करिए और इसी तरीके से बनाइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।